नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोबी और मुंबई महानगर के आज के इस खास एपिसोड में बात करेंगे दुनिया के ऐसे विद्रोही समूह या संगठनों की जिन्होंने सेना और सरकार के नाक में दम कर दिया था। इनमें से कुछ ने तो बाद में सत्ता भी हासिल कर ली है। सबसे पहले बात करते हैं लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के नेता वेलुपिल्लई प्रभाकरन की। दरअसल वेलुपिल्लई प्रभाकरन का नाम इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि हाल ही में तमिलनाडु के पूर्व कांग्रेस नेता और वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ तमिल के अध्यक्ष पाझा नेदुमारन ने प्रभाकरन के जिंदा होने का दावा किया है। उनका कहना है कि प्रभाकरन जिंदा है और बिल्कुल ठीक है और जल्द ही दुनिया के सामने आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये वेलुपिल्लई प्रभाकरन है कौन, तो हम आपको बताते हैं कि वेलुपिल्लई प्रभाकरन एक श्रीलंकाई तमिल गुरिल्ला और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ लिट्टे को आतंकी संगठन भी कहा जाता है। लिट्टे ने श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में एक स्वतंत्र तमिल राज्य बनाने की मांग की थी। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम ने करीब 3 दशकों तक अपनी दहशत से लोगों को डराकर रखा था। इसके बाद श्रीलंका सरकार और सेना ने 2009 में लिट्टे चीफ प्रभाकरन को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन प्रभाकरन की मौत को लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट सामने आती रहती है। किसी में कहा गया है कि प्रभाकरन ने सैनिकों के बीच घिरे रहकर खुद को गोली मार ली थी और कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वो सैनिकों की गोली का शिकार हुआ था। प्रभाकरन पर पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इसके अलावा वो श्रीलंका के एक और राष्ट्रपति की हत्या का प्रयास, सैकड़ों राजनीतिक हत्याओं और कई आत्मघाती हमलों का जिम्मेदार भी है। अब बात करते हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड की। तो पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त की गए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि राजनीति में आने से पहले प्रचंड नेपाल में एक सशस्त्र माओवादी विद्रोह का हिस्सा रह चुका है। प्रचंड का जन्म 11 दिसंबर 1954 को पोखरा के करीब कास्की जिले के शुक्र पोखरी में हुआ था। उन्होंने 1996 से 2006 तक एक दशक लंबे सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया था। प्रचंड के शुरुआती दिनों की बात करें तो उन्होंने अपने बचपन में गरीबी देखी, जिसके बाद में उनका झुकाव वामपंथी दलों की ओर बढ़ गया। उन्होंने 1981 में नेपाल की एक अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की और 1989 में वो पार्टी के नेता बने। कहा जाता है कि 1990 में नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के बावजूद प्रचंड 13 साल अंडरग्राउंड रहे। इस दौरान उन्होंने सशस्त्र संघर्ष अभियान चलाया और ये संघर्ष ही नेपाल में राजनीतिक परिवर्तन का एक बड़ा कारण रहा। माओवादी संघर्ष को एक जनयुद्ध के रूप में देखते हैं। तीसरे नंबर पर आता है इस्लामिक संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड। मिस्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इस्लामी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड है। इस संगठन की स्थापना 1928 में हसन अल बन्ना ने की थी और इसे इख्वान अल मुस्लिमीन के नाम से भी जाना जाता है। इस संगठन ने स्थापना के बाद से ही पूरे संसार में इस्लामी आंदोलनों को काफ़ी प्रभावित किया था और इसके सदस्य मध्य पूर्व के कई देशों में हैं। इस आंदोलन की शुरुआत इस्लाम के नैतिक मूल्यों और अच्छे कामों का प्रचार प्रसार करने के लिए ही की गई थी, लेकिन आगे चलकर मुस्लिम ब्रदरहुड राजनीति में शामिल हो गया। मुस्लिम ब्रदरहुड ने खासतौर पर मिस्र को ब्रिटेन के औपनिवेशिक नियंत्रण से मुक्ति के अलावा बढ़ते पश्चिमी प्रभाव से निजात दिलाने के लिए काम किया। हालांकि मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड को अवैध करार किया जा चुका है, लेकिन यहां कई सालों तक सत्ता पर काबिज रहे। इस संगठन ने ही राष्ट्रपति हॉस्नी मुबारक को सत्ता से बेदखल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फरवरी 2011 में जन आंदोलन के कारण होस्नी मुबारक को सत्ता से हटना पड़ा था। अब आता है हूती विद्रोही। हूतियों का उदय 1980 के दशक में हुआ था। हूती विद्रोही उत्तरी यमन में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार का विरोध करता है। जब यमन में सुन्नी नेता अब्दुल्ला सालेह की सरकार बनी तो शियाओं की दमन की कई घटनाएं सामने आई। हूतियों का मानना था कि सालेह की आर्थिक नीतियों की वजह से उत्तरी यमन में असमानता बढ़ी। हूतियों ने साल 2000 के दशक में अपनी सेना बना ली थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2004 से 2010 के बीच हूती विद्रोही ने सालेह की सेना से 6 बार युद्ध किया था। 2014 में हूती विद्रोहियों ने आबेद रब्बो मंसूरी हादी को सत्ता से बेदखल कर दिया और सेना पर कब्जा कर लिया, जिससे सऊदी अरब और यूएई घबरा गए। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से एक गठबंधन बनाया। ये गठबंधन हूतियों पर हमला करता है। हूती विद्रोहियों के कारण ही यमन में सालों से गृह युद्ध चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस गृह युद्ध में अब तक 2.5 लाख यमन नागरिकों की मौत हो चुकी है। कई बार संयुक्त राष्ट्र ने भी युद्ध को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन ना ही सऊदी अरब पीछे हटने को तैयार है और ना ही हूती। और सबसे आखिर में बात करेंगे तालिबान की।
तालिबान का उदय 90 के दशक की शुरुआत में हुआ, जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा था। कहा जाता है कि पश्तो आंदोलन पहले धार्मिक मदरसों में उभरा। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार प्रसार किया जाता था, जिसके बाद सऊदी अरब ने इसकी फंडिंग की। धीरे धीरे तालिबानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फैले पश्तून इलाके में शांति और सुरक्षा की स्थापना के वादे के साथ शरिया कानून के कट्टरपंथी संस्करण को लागू करने का वादा करने लगे थे। तालिबान ने सितंबर 1995 में ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा किया, जिसके एक साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा जमाया। साल 2001 में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि इस समूह ने हर बीतते साल के साथ खुद को मजबूत किया और साल 2022 में इसने लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।